इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप TFG एप्लीकेशन पर अपना एक अकाउंट बना सकते हैं, और अकाउंट बनाने के बाद आप कैसे TFG एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और उसमें किसी भी फैंटेसी गेम में आप ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे जीत सकते हैं। तो मैंने आपको अकाउंट बनाने से लेकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने तक का पूरा प्रोसेस पिछली वीडियो में बता दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर TFG एप्लीकेशन से कोई भी प्राइस विन करते हैं या फिर जीतते हैं तो आप कैसे उसे अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको KYC वेरिफिकेशन करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप KYC वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी TFG एप्लीकेशन पर अपना KYC वेरिफिकेशन करवाना सीख चुके होंगे और अपने जीते हुए पैसे को आसानी से आप अपने बैंक खाते पर विड्रॉ भी कर सकेंगे। तो आपको अपना TFG एप्लीकेशन पर KYC वेरिफिकेशन करवाने के लिए सबसे पहले TFG एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेना। इसे ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर कॉर्नर पर वॉलेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो विनिंग अमाउंट है वो 70 रुपये और मैंने जो रेफरल से अर्न किया है वो 1200 रुपये है। तो इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस पर रेफरल कर अर्न कर सकते हैं अच्छे खासे अमाउंट को। तो आप भी TFG पर रेफरल एंड अर्न के सारे टर्म एंड कंडीशन को जानना चाहते हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने में विड्रॉ मनी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर नीचे पर रेड कलर से लिखा हुआ है कि वेरीफाई योर अकाउंट टू एक्टिव विड्रॉ सर्विस, मतलब कि आपको विड्रॉ सर्विस को यूज़ करने के लिए आपका अकाउंट पहले KYC वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो आपको यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा KYC वेरिफिकेशन पेंडिंग का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे KYC वेरिफिकेशन में सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हुआ है। अब मुझे अपना ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन नंबर और बैंक डिटेल, ये सारे चीज़ों को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो चलिए मैं एक एक करके सारे को कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन के ऑप्शन के आगे जो यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर इंटर ईमेल के ऊपर पर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी इंटर कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके ईमेल आईडी पर एक OTP गई होगी, उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से अपना ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। ईमेल आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने पर वो ईमेल नहीं आई है, तो आपके केस पर भी ये ऑप्शंस आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर स्पैम का एक ऑप्शन दिखाई देगा सबसे नीचे में, तो आपको स्पैम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने में मेरा जो OTP है वो यहाँ ट्रेड फैंटेसी गेम का आपको दिखाई दे रही होगी, तो मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये OTP है, मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो OTP वेरिफिकेशन का मेरे पास पॉपअप आ गया है, यानी कि मेरा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया। अब आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर कर लेना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। अब आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगी उस पर एक OTP जाएगी, आपको उस OTP को यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दी गई है। मैं यहाँ से OTP को कॉपी करूँगा और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा आधार भी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया। मैं अब यहाँ से गो टू वॉलेट के ऑप्शन पर टैप करूँगा। देन मेरा आधार भी वेरिफिकेशन हो गया। अब मुझे अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना होगा, तो उसके लिए अगेन मुझे वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर आपको अपना फुल नेम इंटर करना होगा, जो भी आपके पैन कार्ड पर नेम होगा आप उसी नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। देन नीचे पर आपको अपना पैन नंबर इंटर करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैन कार्ड है वो भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। मैं यहाँ पर अगेन गो टू वॉलेट के ऑप्शन पर टैप कर दूंगा। अब मेरा पैन कार्ड भी वेरीफाई हो गया। अब मुझे बैंक डिटेल को वेरीफाई करना होगा, तो लास्ट वाले सबसे ऑप्शन के आगे आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। वेरीफाई के ऑप्शन पर टैप करते ही अब आपके सामने में अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब सबसे ऊपर पर आपको अपना फुल नेम इंटर करना है। देन आपको यहाँ पर अपना बैंक नेम इंटर कर देना है, जैसे कि आपका बैंक अगर SBI है तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है, उसके बाद अपना IFSC कोड आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। देन आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर टैप करना है।
अब वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में कभी ऐसी ऑप्शंस भी आ सकते हैं कि बैंक वेरिफिकेशन इनवैलिड, तो उस केस में आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि फ्रंट पेज जो आपके पासबुक का है उसका इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करना है, देन आपको सारी चीज़ें यहाँ पर टाइप करना है, उसी तरह नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। तो चलिए मैं यहाँ से अगेन सारी चीज़ को अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ों को इंटर कर दिया, उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर मैं टैप करूँगा। अब वेरीफाई के ऑप्शन पर टैप करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक डिटेल के आगे में वेरिफिकेशन पेंडिंग का ऑप्शन आ गया है, यानी कि आपका जो ये बैंक डिटेल है वो वेरिफिकेशन में चली गई है। आपको 24 से 48 घंटे तक का वेट करना है, उसके अंदर में आपका ये बैंक डिटेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। फिर उसके सामने में भी आपको इसी तरह का ग्रीन एरो शो हो जाएगी। ग्रीन एरो शो होने के बाद आपका जो ये अकाउंट है वो कम्प्लीटली वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर आप विड्रॉ मनी के ऑप्शन पर टैप कर यहाँ से आप अपने विनिंग अमाउंट को, जैसे कि मान लीजिए आपका 100 रुपया विनिंग अमाउंट है, तो आप यहाँ पर 100 रुपये को एंटर करेंगे। देन यहाँ पर आप वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर है, लेकिन उस समय हो सकता है कि आपके सामने में यहाँ पर कोई और ऑप्शन आ सकती है। उसके बाद आप जैसे ही टैप करेंगे तो एक क्लिक में ये विनिंग अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप मिनिमम 99 रुपीज़ को यहाँ पर विड्रॉ कर पाएंगे, यानी कि आप अगर यहाँ पर 10, 20 या 50 रुपये को विड्रॉ करना चाहेंगे तो वो आपका नहीं होगा, आपका 99 रुपया मिनिमम बैलेंस होना चाहिए विड्रॉ करने को लेकर। अब मैं यहां से बैक आ जाता हूं। बैक आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि नेट विनिंग्स में आपका अमाउंट यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रही होगी, ये वो अमाउंट है जिसे आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आपका बैलेंस जितना भी होगा उससे मतलब नहीं है, आपका जो भी नेट विनिंग वाला अमाउंट होगा आप उतने ही अमाउंट को यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी था TFG एप्लीकेशन पर अपने KYC डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना। आगे मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप TFG एप्लीकेशन से रेफर एंड अर्न कर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 1200 के अप्रोक्स पर सिर्फ रेफरल से कमाए हैं। उसके बाद उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस अमाउंट का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कैसे आप इस अमाउंट को अपने यूज़ में ला सकते हैं, या फिर इससे कैसे आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।